السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी परदानिशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरल कैफ बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर्त से महफूज रखे। बहरल कैफ बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ हैं। लेकिन आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर ये है जो GCC से निकल कर आई है, जो कि बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि अब ये लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं, अभी तक क्या है, बातें करने में मशहूर थे, इनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकते थे, उतने बातें करते थे, खाली गपशप चलता था, खाली बातें हवा में तीरे छोड़ना, ये इनकी पहचान बनी हुई थी। ये हम भी जानते, आप भी जानते और सारी दुनिया जानती है। लेकिन जिस तरीके से जो कार्रवाइयों पे कार्रवाइयां हो रहे हैं और जो अभी ईरान जो बीच में आ चुका है, ईरान बीच में आने से स्वीडन के हालात बड़े पचीदा हो चुके हैं। क्योंकि ईरान सुनने को तैयार नहीं है, ईरान अपनी ताकत आजमाई की चक्कर में है और हाथ साफ करने के चक्कर में है। अब उसको समझा तो रहे हैं, हालांकि आप लोगों को ये और एक खबर दे दूं मैं, रजब तैयब उर्दगान अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह के करम से, अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह के का जितना हो सकता है शुक्र अदा करो, आज उन्होंने डिस्चार्ज होके बाहर आ चुके हैं। हालांकि इसके ऊपर उनका कोई बयान तो नहीं आया इस मौजू के ऊपर। अलबत्ता तमाम लोगों से जिन्होंने उनके लिए जो दुआएं की थी उनका शुक्रिया अदा किया, और जो दुआएं नहीं किए उनका भी शुक्रिया अदा किया। क्योंकि उनका कहना है कि चार दोस्त रहे तो दुश्मन भी ज़रूरी है जीने के लिए, नहीं तो जो है सो यानी फिर उनकी बात कहाँ चलेगी। खाली दोस्त रहे अगर से तो वाहवाही चलेगी, दुश्मन रहे अगर से तो इनकी ताकत का अंदाज़ा दुश्मनों को होता है, बात भी चलती है। क्योंकि आदमी जब वैसे मुकाम पे आ जाता है तो उससे दुश्मन को भी डर लगता है, ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। बहरल कैफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं हम कि रजब तैयब उर्दगान सिर्फ अभी सेहतियाब नहीं बल्कि डिस्चार्ज होकर घर को आ चुके हैं। अपने आके भी 2-3 घंटे हो चुका है अपने, हालांकि मीडिया से तो बात नहीं किए, बहुत चैनलें वाले वहाँ पे थे, उनको सिर्फ हाथ बताया, हाथ दिखाया, यानी बोलने का मतलब बाद में बात करता हूँ, अभी बात करने की उसमें थकावट सी महसूस कर रहे थे। बहरहाल बहरल कैफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, जिस तरीके से ईरान और कुवैत कतर ने मिलके जो स्वीडन के ऊपर जो एक ताकत का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, अब ये चीज़ कहाँ तक जाएगी, क्या होगा, वो तो अल्लाह और अल्लाह का हबीब बेहतर जाने। हम तो दुआ करेंगे कि जो है सो अल्लाह शर्त महफूज रखे इन सारों को और उसको हिदायत दे, और वो मुनाफिक, वो नस्ल हराम कंपल्सरी ये लोग एक टारगेट बनाए हुए है भाई, किसी तरीके से अज़ियतें दी जाए, तकलीफ़ें दी जाए, इस्लाम को का नाम लेकर हमारे कुरान पाक की बेहरमती नौज़बिल्लाह और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, हमारी उम्मत की माँ की शान में गुस्ताखी। अब इनकी ये पहचान बन चुकी है, अब इनकी ये पहचान बन चुकी है। इनको समझाते हुए, बोलते हुए, पाबंदियां आयद करते हुए, बायकॉट करते हुए तो देखा गया। अब आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि कुवैत और कतर ने इनके सिफारती ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं, और कुवैत से तो बढ़ा भी चुके हैं जो इसके थे स्वीडन के, वो लोगों को निकाल भी चुके हैं कुवैत से, और जो स्वीडन में थे कुवैत के और कतर के, वहाँ के सिफारे बंद करके वहाँ के अपने आदमी को बुला भी चुके हैं, यानी बिल्कुल सिफारती ताल्लुकात ख़त्म हो चुके हैं और उनके तमाम प्रोडक्ट का बायकॉट किया गया। आप लोगों को अच्छी तरह पता है, इन्हें अमेरिका से मदद मांगा स्वीडन, फ्रांस से मदद मांगा स्वीडन,
ये लोग बीच में आने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि मालूम है इनको अगर से मुंह भी खोला अमेरिका और फ्रांस, तो ये पता जे लोगों को चल जाएगा कि ये लोग भी शामिल है इसके अंदर, इसके अंदर ये लोग भी शामिल है। तो इसकी दुर्गत क्या होगी अमेरिका की, आप भी बजा जानते हैं। फ्रांस की क्या हालत बनाएगा, ईरान और ये मालूम है कोरिया इन लोगों के साथ में है, चाइना इनके साथ में, क्योंकि अमेरिका को ख़त्म करने के लिए ये लोग बहुत बड़ी ताकत इसको बख्श रहे हैं। चाइना को मिला दिया इसने सऊदीया से, यानी जिससे ताल्लुकात ये लोगों के ख़त्म थे अमेरिका के रहते हुए, अब उनको इनका दोस्त बनाया गया है, इनको करीब लाया गया है ताकि उसको दूर करने के लिए। तो इसलिए अमेरिका ये जोखम मोल लेना नहीं चाह रहा, ये मुश्किल में आना नहीं चाह रहा, इसलिए उन्हें साफ अल्फाजों में स्वीडन को कह दिया कि तुम दूसरा रास्ता देखो, तुमको पहले से समझाते हुए आए, लेकिन तुम ये चीज़ जो करे हैं नजीज हरकत, उसके बाद तुमने जो इराक का नाम लिया है गैर सरकारी तौर पर, गैर शरई तौर पर, जो कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई भी दुनिया में कोई भी नहीं करेगा, सारा कुछ तुम करेंगे, उसके बाद इल्ज़ाम दूसरों के सर डालेंगे, तो कहाँ तक सही है ये। तो बहरल कैफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अभी जो हालात है, यानी मैं ये बता दूँ आप लोगों को, पूरा अपने हक में आ चुके हैं, क्योंकि ये लोग जब GCC हो या OIC हो, जब ये लोग कार्रवाई करने के लिए लग जाते हैं, तो इनके पीछे सारी दुनिया इनकी सपोर्ट करने के लिए आ जाती है। खासकर आप ईरान, तो आप लोगों के सामने है, ये दिखाना या बताना या ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ईरान तो एक ही चीज़ पे उतावला हो रहा है, किसी तरीके से हाथ की सफाई कर ली जाए, हाथ की सफाई कर ली जाए, क्योंकि बहुत दिनों से खामोश बैठे हुआ है वो, तो ये लोगों के खांदे पे रख के अपना गेम कर लेने की चक्कर में है वो, अपनी ताकत की नुमाइश करने के चक्कर में है वो, लेकिन ये चीज़ मुनासिब नहीं है, वाजिब नहीं है, क्योंकि उसकी औकात नहीं है, वो सीधा बैकफुट पे आ चुका है, माफिया तो बला के चाह रहा है वो, और उन्हें सोचा नहीं था ये काम कराने के बाद दुनिया इतना इसके खिलाफ हो जाएगी और दुनिया खामोश नहीं बैठेगी, वो सोचा नहीं था। 4 दिन ये लोग पुकार लेते हैं, 4 दिन बोल लेते हैं, उसके बाद मसला खामोश हो जाता है, ये चीज़ और भूल भी जाते हैं, हमारे अक्सर लोगों में ये एक चीज़ का बड़ा वो है, तो ये चक्कर में था उन्हें जो इसको बड़ी महंगी पड़ी, तो इसीलिए GCC से कतर हो, कुवैत हो, अम्मान हो, बहरीन हो, सऊदी अरबिया हो, दुबई हो, अपने अपने कामों पर आमदा हो चुके हैं और अपना अपना काम स्टार्ट भी कर चुके हैं। अब इसकी हालत बड़ी पतली हो रही है, इसको अभी एक और 2-4 दिन, 1 हफ्ता इंतज़ार करिए, आप ये भी देखिए वहाँ पे खाने के भी फाखे हो जाएंगे, खाने के भी फाखे हो जाएंगे, क्योंकि सब कुछ तो जो है सो बाहर के मुल्कों का खाते थे उनके पास तो पैदावार बराए नाम है, तो बड़ा मसला होने वाला, जो कुछ भी इनके पास स्टोर में है वो बरत ले सकते हो, और उसके बाद क्या होगा आप लोगों को अच्छी तरह पता है, उसके बाद किस तरीके से आन पड़ेगी आप लोगों को अच्छी तरह पता है, तो इसलिए इन्हें इनके उनके पास जाके गुहार लगा रहा कि किसी तरीके से हमारा कॉम्प्रोमाइज करा दो, हम दोबारा ऐसी गुस्ताखी नहीं करेंगे, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं। इससे पहले भी इसने ये हरकतें कर कर माफिया चाह चाह कर अपना फिर काम अंजाम दिया, ये इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दिया, उसके बाद उठा के इराक को बदनाम करने की साजिश की इसने, जबकि इराक ही एक मुसलमान है, ये कैसा कर सकते, सोचना चाहिए इन्हें किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले, एक ही जगह की दूसरी जगह डाल दूंगा मैं बोले वैसा, क्योंकि इनके अलग रहते हैं ना भाई सोच, इनके दिमाग और इनके ख्यालात अलग रहते हैं ना भाई। बहरल कैफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, हालात तो बड़े पचीदा हो चुके हैं स्वीडन के लिए और उसके जो पड़ोसी जो उसके हिमायत में जो उतरे थे उन सब के ऊपर पाबंदी आयद हो रही है, उन सब के प्रोडक्ट को बायकॉट किया जा रहा है और उनके पास से सिफारती ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म करने कर दिए हैं, बास कंट्री हैं तो बास करने के उसमें आ चुके हैं।
बहरल कैफ बहरल हाल मेरे अजीज दोस्तों मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के काम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।